एकदम वीरान, किसी खंडहर जैसा। 60 दिन पहले तक इस गांव में जिंदगी गुलजार थी। बीते 60 दिन के दरमियान यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया। आज कैमरे में कैद हर घर की तस्वीर रहस्य में लिपटी हुई नजर आ रही है, मानो अंधेरी रात का सन्नाटा उस अनहोनी की कहानी सुना रहा हो। क्योंकि दूर दूर तक इंसानी बस्तियां तो हैं, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि उनमें रहने वाला कोई नहीं। ऐसा हाल एक घर का नहीं बल्कि लकड़मंडी गांव के हर घर का है। चप्पे चप्पे पर मौजूद उस खौफ के एहसास को महसूस करना मुश्किल नहीं। एक अजीब सी खामोशी हमेशा यहां छाई रहती है। रात का अंधेरा तो छोड़िए, दिन के उजाले में भी कोई इस गांव में कदम नहीं रखना चाहता। आप तो यहाँ पे रात के टाइम पता नहीं कैसे आ गए, यहाँ तो दिन के टाइम भी आना बड़ा मुश्किल है। आखिर इस गांव के वीरान होने का रहस्य क्या है? क्यों घरों के दरवाजे टूटे हुए हैं और किसने घरों के अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया? लोग अपने गांव को छोड़कर कहाँ चले गए? इस वीरान गांव के इन सुनसान घरों में कौन रहता था? उनके साथ क्या हुआ? इस किताब को पढ़ने वाले बच्चे कहाँ हैं? इसी रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए इंडिया टीवी की टीम दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर लकड़ मंडी के इस गांव में पहुंची। दो स्थानीय लोगों के साथ हमने गांव के अंदर जाने का फैसला किया। पहाड़ की इन पथरीली पगडंडियों पर चलना बेहद मुश्किल था, लेकिन गांव तक पहुंचने का एक यही रास्ता था। हमारी टीम किसी तरह आगे बढ़ी, कैमरा एक एक तस्वीर कैद कर रहा था ताकि उस खौफ उस दहशत का पता लगाया जा सके जिसने इस गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। अरे कोशिश है कि रात को रुक के यहाँ पे कोशिश की जाए कि कैमरे में कैद हो। रात के अंधेरे में हमारे कैमरे में क्या क्या कैद हुआ? क्या खुप अंधेरे में लिपटे उस रहस्य से पर्दा उठ सका? आपको एक एक सच बताएंगे, बस बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के लकड़ मंडी गांव की। ये कहानी है उस दहशत की जिसने 100 से ज्यादा परिवारों को बेघर कर रखा है। ये कहानी है उस डर की जिसके चलते लोग अपने घरों में वापस नहीं लौटना चाहते। आखिर वो दहशत और डर क्या है? क्यों 60 दिन के अंदर एक गांव खंडहर में तब्दील हो गया? इस सच को जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम पहुंची दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लकड़ मंडी गांव। रात का अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा। न बिजली है और न ही हमारे अलावा यहां कोई और। कदमों की आहट भी सिहरन दौड़ाने को काफी होती है। हमें बताया गया कि रात के वक्त लकड़ मंडी गांव के अंदर जाना मना है। वहां कुछ ऐसा है जिसके चलते रात गहराने के साथ साथ खौफ का साया बढ़ जाता है। उसी दहशत को कैमरे में कैद करने के लिए नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जानकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काला टोप खजियार में तैनात वन विभाग की तरफ से हमें मिली थी, जो लकड़ मंडी गांव से सटा हुआ है। हाथों में टॉर्च और कैमरे की लाइट की मदद से हमने गांव के अंदर जाने का फैसला किया, वो भी रात के वक्त।
मकसद था उस रहस्य की परतें खोलना जिसने एक गांव के बाशिंदों को बेघर कर दिया। जैसे जैसे हमारी टीम गांव के अंदर दाखिल हुई, खौफ की निशानियां बर्बादी की शक्ल में कैमरे में कैद होती गईं। अब सवाल ये था कि लकड़मंडी गांव के इन घरों को तबाह किसने कर दिया? शांत पहाड़ों के बीच बसे इस गांव के सैकड़ों लोग आखिर कहां चले गए? जवाब भी लकड़मंडी गांव के अंदर ही मिल गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गांव में पूरी वीरानगी छाई हुई है। किसी भी घर में कोई भी शख्स यहां पे मौजूद नहीं है। रीजन ये है यहाँ पे कि जो बालू है उन्होंने इस गांव पे कब्जा कर लिया है। दरअसल जो लोग हैं अक्सर सर्दियों में जब यहाँ पे बर्फबारी होती है लोग यहाँ से चले जाते हैं नीचे सेफ जगह पे, लेकिन जब इस बार वो वापस आए तो यहाँ पे बालुओं ने कब्जा किया हुआ था गांव में। फिलहाल पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया है और जगह जगह से बालुओं ने अटैक करके घरों को तोड़ा हुआ है। हर साल लकड़मंडी गांव के बाशिंदे 2 महीने के लिए अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने में ये पूरा इलाका जब सर्द रातों की आगोश में चला जाता है, जब पहाड़ पर बर्फ की शक्ल में सफेद आफत आती है, तब ये गांव वीरान हो जाता है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर पहाड़ के नीचे रहने चले जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब लोग अपने घरों की तरफ लौटे तो भालुओं ने पूरे गांव को तबाह कर रखा था। आप एक एक घर के अंदर देख सकते हैं तोड़ फोड़ कर रखी है और कुछ खाने पीने की तलाश में इन्होंने यहाँ पे पूरे गांव के हर घर में लगभग एक एक घर में यहाँ पे इन्होंने भालुओं ने तोड़ फोड़ करके उत्पात मचाकर दहशत मचा रखी है। अब कुछ 4-5 जो गांव वासी यहाँ पे वापस आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन वो देखकर हैरान रह गए कि यहाँ पे उनके पूरे गांव जो है तहस नहस हुआ पड़ा था। शायद ही कोई घर बचा हो जहां भालुओं का कहर न टूटा हो। लेकिन गांव वालों के लिए खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि किसी भी वक्त भालू इस गांव पर अटैक कर सकते थे। यही वजह है कि गांव के लोग अब भी रात के अंधेरे में आने से कतराते हैं। आने से बहुत डर रहे हैं यहां से लोग, क्योंकि वो किसी भी टाइम आ सकते हैं रात को। आप तो पता नहीं कैसे आ गए यहां पे, हमें भी अभी इस वक्त डर लग रहा है, हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। हम उस हकीकत को कैमरे में कैद करना चाहते थे, हकीकत ये कि क्या लकड़मंडी गांव में अब भी भालुओं का कब्जा है? क्या रोजाना सिर्फ रात के वक्त भालू गांव में लौट आते हैं? हमारी कोशिश है कि रात को रुक के यहाँ पे कोशिश की जाए कि कैमरों में कैद हो भालू, लेकिन उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जानवर है, जब भी उनको भूख लगेगी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नीचे आते हैं और गांव में टेस्ट कर देते हैं। कैमरा ऑन था, हमें इंतजार था भालुओं के आने का। करीब 2 घंटे तक लकड़मंडी गांव में हमारी टीम घूमती रही। रात गहराती जा रही थी। हमें वन विभाग की तरफ से दी गई वो हिदायत याद थी कि ज्यादा देर गांव में रुकने का मतलब मौत को दावत देना। हमारे साथ कोई हथियारबंद गार्ड तो नहीं था, हाँ भालुओं के हमले से बचने के लिए हाथ में डंडे जरूर थे। हमारी मुलाकात वन विभाग के गार्ड से भी हुई। गार्ड ने हमें बताया कि गांव में भालुओं ने उत्पात मचा रखा है, ये 100% सच है। यहाँ पे काफी दिन पहले, मतलब 15-20 दिन हो गए हैं, यहाँ पे भालू का काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया और उसने पूरे यहाँ गांव में कब्जा करके रखा हुआ है। हाँ जी, कैसे पता चला कि भालू? हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट ने ट्रैप कैमरा दिए हुए हैं, हमने उनको यूज करा, उनको लगाया वहाँ पे, तो उसमें कई बार फोटो आई है भालू की, तो उस वजह से हमारे को थोड़ा शक हुआ है और फोटो भी मिली है वहाँ से। बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काला टोप से ही खाने की तलाश में भालुओं का झुंड इस गांव की तरफ आता है। इसका सबूत नाइट विजन कैमरे में कैद है। कई बार भालुओं के झुंड को इंसानी बस्ती की तरफ आते हुए देखा गया है, लेकिन वन विभाग ने भालुओं को पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। यही वजह है कि गांव के लोग खौफजदा हैं। 2-3 बार हम पहले आए यहाँ पे, हमने रिपेयर किया, हमने सोचा चलो देखते हैं आता है या नहीं आता है। हमने फॉरेस्ट वालों से कहा, उन्होंने कैमरे लगाए रात को, तो फिर भालू आ रहे हैं, मतलब उनका झुंड आ रहा है भालुओं, मतलब इतने कि रात को जैसे कोहराम मचा देते हैं यहाँ पे आके। अब ना तो स्कूल चल पा रहा है और ना ही लोग आ पा रहे हैं, और
कुछ नहीं, बस दिन को तो चहल पहल रहती है गाड़ियों की, उस वजह से चलो दिन में एक दो लोग आते हैं, पर इतना नहीं कि श्योर नहीं है कोई भी कि हो सकता है किसी घर में घुस के बैठे हों भालू। अब हम ये जानना चाहते थे कि आखिर भालुओं को इस गांव का पता ठिकाना कहां से मालूम हुआ। गांव वालों से बात करते हुए हमें दिखा ये प्राइमरी स्कूल जहां मिड डे मील का राशन रखा हुआ था। बताते हैं कि स्कूल की कच्ची दीवारों के चलते ही कहां से मालूम हुआ। गांव वालों से बात करते हुए हमें दिखा ये प्राइमरी स्कूल जहां मिड डे मील का राशन रखा हुआ था। बताते हैं कि स्कूल की कच्ची दीवारों के चलते ही भालू खाने की तलाश में अंदर तक पहुंच गए। उसके बाद से ही भालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ये मेरे ठीक पीछे जो स्कूल था यहाँ का, उसका स्टोर था, यहाँ पे खाना था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से भालू जो है इसके अंदर घुसे और पूरी तरह से इसको तोड़फोड़ कर दिया, और जितना भी यहाँ पे सामान था उसको तोड़ा गया, और यहाँ खाने वाला सामान तो खाया गया, जो भी यहाँ पे था जो बिल्डिंग थी उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी कोशिश है कि किसी तरह से बालुओं की कितनी गिनती है उसको देखा जाए, और उसके बाद क्या एक्शन प्लान होगा वो देखना होगा। लेकिन स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और खासकर जो लोग हैं इस गांव के उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। वो अब भी नीचे प्लेन्स में रह रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो वापस पहुंचे अपने घरों में, और अपने घर में जो कब्जा किए बैठे बालू हैं उनसे कहीं ना कहीं निजात मिल पाए उनको। अब सवाल है कि लकड़ मंडी गांव को भालुओं के आतंक से आजादी कब मिलेगी? क्या ये गांव एक बार फिर आबाद होगा, या फिर भालुओं की दहशत के चलते ये गांव अब हमेशा के लिए खंडहर बन चुका है?